नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल कृषि रत्न अभिषेक। और ये अब तक जो मैं कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग क्रॉप्स का डिटेल देता था, इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो चीज़ें एक आम किसान या आम लोगों द्वारा कंपेयर किया जाता है कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए, बहुत आसान होता है निकल के ये बोलना कि कृषि का उद्योग का दे देंगे तो ये हो जाएगा वो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, हम जहाँ खड़े हैं ये एक चाय बागान है और ये वो इलाका है जो भारत के चाय के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर आप होटल में भी बैठते हैं तो असम टी, दार्जिलिंग टी एक अलग अलग चाय का ब्रांडिंग है। हालांकि ब्रांड अलग अलग होते हैं लेकिन जो कमोडिटी या जो टी है उसको अलग अलग एरिया से, कुछ लोग जो साउथ का एरिया है, ऊटी का इलाका, कुन्नूर का इलाका, उसको भी एक अलग प्रेफरेंस के तौर पर देखते हैं। ये चाय का बागान आप देख सकते हैं कैसे मेंटेन होता है। बहुतों को ऐसा लगता है कि एक बागान होगा जो करीब करीब एक ही साथ लगा दिया जाता होगा और फिर उसकी पत्तियों की तुड़ाई होती है। आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो चाय का पैच है इसमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो थोड़े पुराने हैं, 6-7 ईयर ओल्ड हैं और इनकी छटाई हुई है, ये मेंटेन किए जाते हैं। अगर ये कैनोपी आप जो देखते हैं जो दूर से इतना खूबसूरत लगता है, नेचुरल कैनोपी नहीं है, ये छटाई हुई है और ये पौधे नए आए हैं। मतलब इस टी एस्टेट के मैनेजर को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे जो गैप है बड़ा हो गया है, पौधे मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, तो यहाँ पे ये नए पौधे एक दो दिन पहले लगा दिए गए हैं। ये नर्सरी के पौधे हैं, हालांकि इतना बड़ा पौधा जो है करीब 1 से 1.5 फीट का, इसने भी अपना एज 7-8 मंथ कम्प्लीट किया हुआ है। मतलब चाय बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने वाला एक पौधा है और ये हमको अलग अलग चीज़ों से नवाजता है। जैसे सबसे पहला काम तो चाय पत्ती है, अगर इसमें से प्रूनिंग हुई है तो अभी कोई चाय पत्ती नहीं निकलेगी। इस प्रूनिंग इलाके से कोई एक ब्रांच निकलेगा, हम थोड़ा सा वैसे पौधे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसमें हम बता सकें कि कैसे चाय की तुड़ाई होती है, मतलब चाय की पत्ती की तुड़ाई होती है। अभी इसमें कोई ऐसा पौधा मुझे दिख नहीं रहा। इस बीच आप फिर से देख सकते हैं कि नए पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। चाय के फूल का आप कहीं कहीं जिक्र सुनते हैं, आप ये देख सकते हैं चाय का फूल। बहुतों को ये रहता है ऐसा वहम कि भाई चाय की सिर्फ पत्ती होती है, तो सिर्फ पत्तियां ही होती है, लेकिन सारे पौधों का अपना अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम है। उसमें तने से कुछ निकलता है, पत्ती से कुछ निकलता है, फल से कुछ निकलता है। और अब मैं उस विषय पर आता हूँ जहाँ बातें होती है उद्योग की। आपको मैं बताऊँ कि जो किसानी है, जो धान गेहूं मक्के की फसल है, उसमें मिनिमम वेजेस जैसा वर्ड लागू नहीं होता। MSP की सरकार मिनिमम वेजेस एक लागू कर देती है, तो आप अपने लेबर को कहीं कहीं हो सकता है मिनिमम वेजेस को ऊपर भी दिया जाता है समय अनुकूल। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि मिनिमम वेजेस के हाफ पे भी लोग काम करते हैं। चाय के बागानों में ये नियम लागू होता है, यहाँ के लेबर को मिनिमम वेजेस जो है स्टेट का हो, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना मिनिमम वेजेज होता है, वो देना है, कंपल्शन है। अगर आप नहीं देते हैं तो जो उसके एक्ट हैं, जो उसके डिफरेंट सिस्टम हैं, उस पर आप पे मुकदमा दायर होता है, आप पे कार्रवाई होती है। कृषि जो टिपिकली कृषि चीज़ है, अगर वो आम का बगान हो, अमरूद का बगान हो, वहाँ पे PF जैसा कोई फंडा नहीं होता, जबकि चाय बगानों में PF का कंट्रीब्यूशन करना, उनके मिनिमम वेजेज के बाद जो PF का कंट्रीब्यूशन है, एक मतलब एम्प्लॉय से डिडक्ट होता है, एक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, वो देना मस्ट है। तीसरा, अभी GST आ गया है, पहले VAT था, CST था, तो आप ये चीज़ें देखते हैं कि धान की बिक्री आप करते हैं, गेहूं की बिक्री करते हैं, किसान जब बिक्री करता है तो नेचुरली जो उसका बैग है वो बल्क होता है 40 kg 50 kg का, उस पर कोई GST नहीं लगता। हालांकि पिछले वर्षों में जब सरकार ने एक सर्टेन वेट के नीचे के पैकेट पे GST लाया था तो कुछ लोगों ने उसको कहा था कि अब किसान के उत्पाद पे भी GST लगाया जा रहा है। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे या पहले से भी आप जानते होंगे कि चाय पे 5% GST है, यानी ये पत्ती टूट के गई, प्रोसेस हुआ, चाय का जो भी यूनिट है, हर एक चाय बागान का अपना यूनिट होता है। ऐसा एक और क्लियरेंस इस वीडियो के माध्यम से मैं दूँ। बहुतों को लगता है कि 1-2 बीघे में मैं चाय की खेती कर लूँ, मैं पत्ती बेच लूँ, ये जनरली अभी तक नहीं है। जो भी चाय बागान है, जो भी टी एस्टेट हैं,
उनका अपना प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वहाँ प्रोसेसिंग करते हैं और वहीं पे जैसे ही वो बल्क में बिका या अपने पैकेट में बिके, जीएसटी जो 5% है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये चाय बागान से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, पौधे को कैसे केयर करते हैं, पौधे को कहाँ से करते हैं, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि ये फार्मर्स जैसा कोई सिस्टम नहीं है, चाय बागानों का अपना एक सिस्टम होता है, उनके जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके अधीन सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स के अधीन फिर लेबर्स होते हैं, बीच बीच में उनके जो साइंटिस्ट हैं, आप इसके आसपास कहीं देखेंगे अगर दूर वहाँ देखें एक बोर्ड लगा हुआ है, उनका एक डेमोग्राफिकली बंटवारा है, जैसे उस बोर्ड में आप देख सकते हैं 22 इसने प्लॉट को बताया है, उस बोर्ड में मुझे लगता है कि 23 करके बताया है। तो उनका अपना एक सिस्टम है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो उनके मैनेजर जनरल मैनेजर देखते हैं कि आज कहाँ पे चाय की तुड़ाई हुई है, आज कहाँ पत्ती की तुड़ाई हुई है, आज कहाँ स्प्रे की ज़रूरत है, कहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत है। बहुत लोग को ये लगता है कि सिर्फ इसमें नेचुरल इरिगेशन जो रेन एरिया होता है उसी से होता है, ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले एक साल से एलनीनो इफ़ेक्ट इस पूरे इंडिया के एटमॉस्फेयर को, इंडिया के मॉनसून को प्रभावित किए हुआ है, तो उसके कारण कहीं कहीं बारिश का अभाव है और उस स्थिति में इसके बीच में स्प्रिंकलर की पाइप लगाई जाती है और स्प्रिंकलर से इसका इरिगेशन होता है। हालांकि हम जिस इलाके में खड़े हैं, असम के इस इलाके में, पिछले 3-4 दिनों से हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो पहाड़ी इलाकों में ये देखा जाता है। हालांकि अभी मैदानी इलाकों में भी 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश सफिशियंट है इनके लिए, अभी एज इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसका मेंटेनेंस है, जो इसका रखरखाव है, जो इसकी प्रक्रिया है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। और नज़ारा ब्यूटीफुल होता ही है नेचुरली, जो कुछ मैदानी इलाकों को छोड़ दो तो जो चाय बागान हैं वो पहाड़ी अर्ध पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। आप स्लोप्स को देख सकते हैं, कहीं कहीं स्लोप्स पे भी चाय का प्लांटेशन है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि एक लेवल बरकरार है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो टूरिस्ट हों, एग्री के जानकारी रखने वाले लोग हों, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हों, या जो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए, हमारे कृषि को कोई नहीं देख रहा, एमएसपी पे लोग ध्यान नहीं दे रहा, तो उन सबको मिक्सअप करके एक नॉलेज के रूप में रखा गया। इस वीडियो का मकसद किसी की नीतियों, किसी भी चीज़ का आलोचना करना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बस वस्तु स्थिति को देखते हुए बनाया गया वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।